एनएसयूआई के छात्र संगठन द्वारा पॉलिटेक्निक फैकल्टी के प्रोफेसर समीर शाह द्वारा एबीवीपी के समर्थन में एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के गंभीर आरोप लगाते हुए आज आवेदन पत्र दिया गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की हर एक फैकल्टी कोई ना कोई मुद्दे को लेकर चर्चा का स्थान रहती है। ऐसे में आज एनएसयूआई के छात्र संगठन द्वारा पॉलिटेक्निक फैकल्टी के प्रोफेसर पर एबीवीपी का समर्थन करने के गंभीर आरोप लगाते हुए आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फर्ज अदा करते प्रोफेसर समीर शाह द्वारा एबीवीपी की पोस्ट सोशल मीडिया पर रखते हुए एनएसयूआई ने इसका विरोध व्यक्त किया था। समीर शाह के साथ उग्र रजूआत करने के बीच समीर शाह का फोटो फाड़कर उनके ही मुंह पर फेंकते हुए उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। जहां ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के नॉलेज के लिए रखी गई है, वैसा प्रोफेसर समीर शाह ने अपना बचाव किया था। जाहिर सी बात है कि एनएसयूआई और एबीवीपी एक कट्टर छात्र संगठन माने जाते हैं। ऐसे में पॉलिटेक्निक कॉलेज मैकेनिकल डिपार्टमेंट के समीर शाह द्वारा अपने फर्ज के दौरान एबीवीपी के समर्थन में एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए आज छात्र संगठन ने समीर शाह के खिलाफ सूत्रोच्चार लगाने के बीच आवेदन पत्र दिया था। आज रोज एनएसयूआई ने पॉलिटेक्निक फैकल्टी पर आवेदन दिया है। जिस तरीके से दो दिन पहले समीर शाह जो प्रोफेसर है पॉलिटेक्निक फैकल्टी में, उनके द्वारा एबीवीपी विद्यार्थी संगठन के जो फोटो थे, जो उनके विद्यार्थियों के जो आंदोलन के फोटो थे, वो मैकेनिकल के टीवाई का जो ग्रुप है यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक फैकल्टी के छात्रों का, उसमें उन्होंने शेयर किया था। कोई भी प्रोफेसर हो, उनको यूनिवर्सिटी के नीति नियम से चलना होता है, ना कि कोई पॉलिटिकली एजेंट बनकर काम करना होता है। आज रोज एनएसयूआई ने आवेदन दिया है कि ऐसे जो प्रोफेसर हैं उन पर तात्कालिक उन लोगों को सस्पेंड किया जाए, उन पर उग्र से उग्र कायदे सर की कार्यवाही की जाए। अगर यूनिवर्सिटी कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं रहती है तो आने वाले समय में एनएसयूआई यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस पर उग्र से उग्र आंदोलन विद्यार्थियों के साथ रहकर